भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की पावन पुरुषोत्तम मास की जगत गुरु शील प्रभुपाद की उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं तन मन और धन से अपने भावपूर्ण हृदय से ये सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका निवासी शार्लोट निवासी बेचर भाई पार्वती बेन मकवाना का यह पूरा परिवार जिनमें प्रमुख है दयाल भाई और विमला बेन और उनके दोनों सुपुत्र केयूर भाई उनकी धर्मपत्नी कोकिला बेन और अंकुर भाई और भूमि बेन ये पूरे परिवार का और आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है और इस पावन पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम की ऐसी भागवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। बृहद नारदीय पुराण में वैसे यूं तो पुरुषोत्तम मास और उनकी महिमा अनेक जगहों पर पाई जाती है, परंतु हमारे गौड़ीय आचार्यों ने जिसे सर्टिफाइड किया स्वीकार किया वो है बृहद नारदीय पुराण की यह पवित्र गाथा, जिसमें वर्णन है कि जब यह अधिक मास प्रकट हुआ और सभी लोग इस अधिक मास को उलाहना देने लगे हैं, तो अधिक मास के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दर्द हुआ और अधिक मास जो है दुखी होकर चिंतित होकर उसने बहुत सुंदर एक कार्य किया और वह कार्य क्या था? वह कार्य था अन्य सबको छोड़कर यह अधिक मास भगवान की शरण में गया, यह अधिक मास भगवान को शरणागत हो गया। यूं तो अधिक मास को अपवित्र माना गया था, सब लोग उनकी निंदा करते थे, जिसमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होने पर कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता है ऐसा विधान, परंतु एक कार्य अधिक मास ने जो किया उससे यह अधिक मास सभी महीनों का राजा बादशाह बन गया, सभी महीनों से उत्तम हो गया। और वह एक कार्य जो था वो कार्य ये था, ब्रह्म बृहद नारदीय पुराण का ये श्लोक है।
मुमुर्षुर भवत्तेन हृदयेन विदुयता। मुझे पता नहीं चल रहा है कि कुछ लोग कहते हैं अधिक मास की देवी प्रकट हुई, अधिक मास, क्योंकि आजकल तो बड़ी कथाएं चल रही हैं फेसबुक यूट्यूब यहाँ वहाँ, तो सब लोग मतलब बधाई मंडाना से, तो कई लोग ऐसा कह रहे अधिक मास की देवी प्रकट हुई। अब देवी कहाँ पर है? वास्तव में अधिक मास कोई देवी नहीं है, अधिक मास जो है ये पुरुष है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, कहते ना अधिक मास की देवी बड़ी परेशान हुई, अधिक मास की देवी भगवान, ये देवी नहीं है, पुरुष है। मुमुर्षुर अभवत तेन हृदयेन विदुयता, ये अधिक मास का हृदय जब विदीर्ण हो गया, अधिक मास के हृदय में जब बड़ा कष्ट हुआ, तो पश्चात धैर्य समालब्ध्य, अधिक मास ने धीरज धारण की और धीरज धारण करके ममासो शरणम गत। ये कथा भगवान कृष्ण अर्जुन और पांडवों को सुना रहे हैं, तो मम आसो मतलब स्वयं कृष्ण योग योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वो अधिक मास मम असो, असो माने अपने चरण को दिखाकर कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि वो अधिक मास मेरी शरणम गतः, मेरी शरण में गया। आपने आ बात बहु बेसी गई, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग गया अधिक मास की ये बात, ममासो शरणम गतः, मतलब आनामा काई लेवानू नोतु अधिक मास मा, अहियां सुधी केने मल मास केवा मा आयो। हम लोग जानते ना मल मास, मल के समान जो कुछ काम का नहीं, किसी काम का नहीं था ये महीना। ये एक्स्ट्रा प्लेयर था, क्रिकेट का 12वां खिलाड़ी था, केवल पानी देने के लिए आता है पिच पर, न बैटिंग न फील्डिंग न बॉलिंग, कुछ नहीं, कुछ काम का नहीं, पूछड़िया प्लेयर था ये अधिक मास। लेकिन एक काम अधिक मास ने अच्छा किया, और वो क्या था? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन एक काम जो किया उसमें 100 में से 100 मार्क लेकर चला गया, और वो था ममासो शरणम गतः। अपने आवाज बहु एटले बहु गमे, शरणम गतः। मैं मेरे जीवन की एक घटना बताऊं, ये लगभग 3-4 साल पहले की बात है। हमारे अजवालिया प्रभु न्यू जर्सी में हमें एक श्री संप्रदाय लक्ष्मी नारायण के बहुत बड़े मंदिर में लेकर गए। बड़ा आनंद हुआ कि भाई अमेरिका में इतना सुंदर लक्ष्मी नारायण का मंदिर, और वैदिक विधि से। अब श्री संप्रदाय तो विधि विधान में बहुत पक्के होते हैं, सो वैदिक विधि से पूरा मंदिर बना हुआ, और उस मंदिर में बहुत बड़े आचार्य थे, भारत के बहुत बड़े आचार्य थे। तो मैं अमेरिका आया था, 1.5 साल से इंडिया नहीं गया था, तो वैसे भी साधु संतों से मिलने की बड़ी कामना इच्छा हो रही थी, और हमारे अश्विन अजवालिया प्रभु ने वहाँ लेकर गए और उस साधु के साथ हमें बिठा दिया। अब उनकी हमारे अंदर, अजवालिया जी की हमारे अंदर एक आदर बुद्धि कि भाई हमारे प्रभु जी हैं और वो भी साधु हैं, तो साधु साधु मिलेंगे, हम लोग सुनेंगे। तो उस श्री संप्रदाय के आचार्य के साथ बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, हालांकि वो थोड़े उग्र थे, अंदर थी भड़का, मतलब बाटला फटा हुआ था, लेकिन हम लोग जो भूखे रहते ना वो ऐसे ही थोड़े बहुत क्रोध में होते ही है, तो बेचारे बहुत तपस्वी थे। लेकिन एक बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, हम दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, वो पूछ रहे थे आप क्या करते हो, तो हम कहते हम हरि नाम जप करते हैं, 16 माला जाप करते हैं, प्रभुपाद ने हमको नियम दिए हैं, और भागवत कथा बोलते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। तो वो अपना अनुग्रह करते हुए, विशेष अनुग्रह करते हुए कहने लगे, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है, ये सब गौण है। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात है ईश्वर को शरणागत हो जाना। वो आचार्य मुझे ऐसे कह रहे थे, हम लोग ना हरि नाम में मानते हैं, न दर्शन में मानते हैं, न भजन में, हम किसी में नहीं मानते हैं, हम मानते हैं शरणागति में। एक बार यदि कोई जीव ईश्वर को शरणागत हो जाता है, तो फिर जो हम भले बुरे सो तेरे, हम अच्छे हैं बुरे हैं पापी तापी हम कैसे भी हैं, एक बार शरणागत हो गए तो सारी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। 1.5 साल के बाद किसी साधु के मुख से ये सुंदर वचन मुझे सुनने मिले, हालांकि वो मुझे डांट रहे थे, भाई ये माला वाला क्या कर रहे हो,
लेकिन हमारा तो क्या ना कि हमें तो गुण ग्राही बनना है, हमें तो कहीं से भी गुण लेना है। मुझे उनकी निष्ठा, भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में शरणागति की निष्ठा को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। और सच कहूं, मैंने मेरे जीवन में उस साधु से ये गुण प्राप्त किया कि वास्तव में भजन तो हम करते हैं, भजन तो हमें करते ही रहना है, लेकिन शरणागति से यदि भजन किया जाए तब तो क्रांति हो जाएगी। हमारे आपके भजन में जो कमी है ना, वो शरणागति की कमी है। द्रौपदी ने कृष्ण को बहुत पुकारा, लेकिन जब तक पूर्ण रूप से शरणागत कृष्ण से नहीं हुई, तब तक कृष्ण ने भी दर्शन नहीं दिया। छोटे छोटे बालक अपने माँ बाप को शरणागत हो जाते हैं, उस बालक को कोई चिंता टेंशन नहीं रहती, वह सारी चिंता टेंशन भगवान की हो जाती है। तो ममासो शरणम गत, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन वो मेरी शरण में आ गया। हमें ज्यादा कुछ नहीं करें, हम कर भी क्या सकते हैं। ये मल मास की तरह हमारी भी फजीयत कम नहीं होती है समाज में, दुनिया में है। हम दुनिया के कुछ काम के नहीं रहते, दुनिया के लोगों के कुछ काम के नहीं बनते। जब मल के समान जीवन अधूरा अधूरा लगे तो सभी को छोड़कर ममासो शरणम गत, भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। और यदि कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली तो फिर हमारे जीवन की सारी जिम्मेवारी भगवान कृष्ण की हो जाती है। एक कवि ने बहुत सुंदर कहा कि प्रभु मैं तो बहुत टेंशन में रहता था, आजकल अपने लाइफ में बड़ा टेंशन चल रहा था, लेकिन कहीं से मुझे पता चल गया, ये लाल गोविंद आजकल बहुत कथा कर रहा है, लगभग उसी कथा से ही मुझे पता चल गया कि आपका एक नाम दीन दयाल है। कृष्ण का एक नाम क्या है? दीन दयाल। तो उस कवि ने बहुत सुंदर कविता लिखी, वो कहते हैं कि मैं बहुत चिंता में था, टेंशन में था, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि आपका नाम दीन दयाल है, आप दीनों के ऊपर दया करते हो, दीनों के ऊपर कृपा करते हो, उस दिन से टेंशन से मुक्त हो गया, टेंशन खत्म, अब तो मौज मार रहे हैं। क्यों? तो वो लिखते हैं, दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी लंबी कविता है। दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाई के जाऊं कहाए अब तेरे ही नाम की फैट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलोक नहीं कोई मन में दूजी जसी है, हे हो मुरारी पुकारी कहूं अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। वो संत लिखते हैं कि जब से सुना है कि आपका नाम दीन दयाल है, उस दिन से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैं आपको शरणागत हो गया हूं, और आपको शरणागत होने के बाद अब मेरे जीवन में यदि कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है कन्हैया, कृष्ण ये तेरी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में यदि कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वह मेरी हंसी नहीं, वो मेरी हंसी नहीं, वो तेरी हंसी है। दुनिया के लोग तुझे कहेंगे कि बेचारा कृष्ण को शरणागत था, ये कृष्ण की शरण में था और कृष्ण ने उनका ध्यान नहीं रखा, ये सारा दोष कृष्ण का मानेंगे। तो मैं तो टेंशन से मुक्त हूं, अब कृष्ण सारी चिंता तुम्हारी है। तो बड़ी महिमा है शरणागति की। ठाकुर भक्ति विनोद ने तो अपने जीवन का एक अध्याय, अपने जीवन का एक बहुत बड़ा, एक पूरा जमाना ही उन्होंने शरणागति के ऊपर मंथन करके भजन और अनेकों ग्रंथ लिखे। और कई बार आप लोग नहीं हैं भाई, मेरे जैसे भक्त शरणागति की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, शरणागति के भजन भी बड़े बड़े गाते हैं, लेकिन जीवन में शरणागति जैसा कुछ नहीं रहता। तो बहुत सुंदर बात है, शरणम गत ममासो शरणम। हे अर्जुन, वो अधिक मास जो है, मम असो, ये जो मेरे चरण है, अभी भगवान ने इसे ऊपर करके दिखाए, मैं दिखा नहीं सकता, धोती पहनी है, लेकिन भगवान ने इसे ऐसे ऊपर करके दिखाए, देख अर्जुन इस चरण, मम असो मेरे इस शरण में अधिक मास आ गया। अब दो बातें हैं कि भगवान की शरण में जाना, और जीव भगवान की शरण में क्यों नहीं जाता है। तो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं,
कहे अर्जुन अथ चेत अहंकारात, अथ चेत अहंकारात तो न श्रोष्यसी विनश्यसी। जीव मेरी शरण में नहीं आने का एक ही कारण है कि उनको अहंकार है, अभिमान है। यदि हमारे जीवन में अभिमान अहंकार न हो तब तो हम भगवान की शरण में जाएंगे, और भगवान की शरण में नहीं जाते इसका अर्थ यही है कि हमें अभिमान है, हमें अहंकार है, इसलिए हम भगवान की शरण। लेकिन थोड़ा सा झांक कर देखिए हमारे जीवन में अभिमान करने लायक है क्या, अहंकार करने लायक हमारे जीवन में है क्या। ये शरीर तो भगवान ने दिया, शरीर चलाते हैं तो भगवान, इस शरीर को चलाने की शक्ति भगवान देते हैं, पैसे कमाने की शक्ति बुद्धि भगवान देते हैं, सब कुछ तो हरि का है, भगवान का है, लेकिन हम बस मान बैठते हैं कि ये मेरा है। फिर तो क्या करे, जूनागढ़ को बोलना पड़ता है, है? जूनागढ़ को फिर गाना पड़ता है, है? हूं करूं एज अज्ञानता शकट नो भार जेम श्वान ताणे, शकट नो भार जेम श्वान ताणे। बड़े बड़े शास्त्रों के सिद्धांतों को हमारे देश के संतों ने सरल सरल भजनों में प्रस्तुत कर दिया। जूनागढ़ नरसिंह मेहता ने कहा कि संसार का जीव इतना अभिमान में रहता है कि ईश्वर की शरण में नहीं जाता, और अभिमान करने लायक है क्या। वो दृष्टांत देते हैं कि हूं करूं एज अज्ञानता, संसार के लोगों के जीवन में अज्ञानता क्या है। तो आम गुजराती में दृष्टांत आपे, गामडू गाम हो, एक गामडू गाम हो ने एमां बड़द गाड़ू जतू हो, અને એ બળદ ગાડા ઉપર બહુ બધો માલ સામાન હોય, અને એ આખોય વજન બે બળદના કંધા ઉપર હોય, અને બંને બળદ એ બળદ ગાડાને ખેંચીને જતા હોય, અને બપોરનો સમય હોય ને આકાશમાં સૂર્ય તપ્ત હોય, અને એ બળદ ગાડા નીચે નાનકડું કૂતરું ચાલતું હોય, પણ એ કૂતરાને મનમાં એવું જ હોય કે આખોય બળદ ગાડાનો ભાર હું ઉપાડી રહ્યો છું, હું જ ઉઠાવી રહ્યો છું, પૂરી બેલગાડી કા ભાર ઉસ બેલ કે કંધે પર હૈ, લેકિન બેલગાડી કે નીચે છાંવ મે ચલતે ચલતે કુત્તા સોચ રહા હૈ કે યે સારા ભાર મે હી ઉઠા રહા હું। સચ કહું વો કુત્તે જૈસી હાલત મેરી ઓર આપ લોગો કી હૈ। મારે આમ સીધે સીધું તો એમ નો કહી દઉં ને, તમારી એવી હાલત, તમે બધા એવા, એટલે મેને પહેલે અપને આપ કો રખા, પહેલે મે ઓર ફિર આપ સબ, મતલબ बुरा न लगे, मेरी और आप सब की, हम सब की हालत उस कुत्ते जैसी है कि हमारे जीवन में सारा भार उठाने वाले कृष्ण हैं, राम हैं, विष्णु हरि ईश्वर है, सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं, लेकिन मुझे और आपको क्या लगता है, हूं करूं एज अज्ञानता, ये मैं कर रहा हूं ये मेरा है। और इसी अज्ञानता के चलते, इसी अभिमान के चलते हम और आप भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकते, ईश्वर की शरण नहीं ले सकते। लेकिन धन्य है अधिक मास, आम बहु अधिक मास करे कहीं अधिक मास नी कृपा न थती, आ बधु सांभळो अने अधिक मास से ये गुण ग्रहण करो। हाँ, अधिक मास का ये गुण है, पुरुषोत्तम मास का ये गुण है कि जब उनके अंदर कोई गुण नहीं था, जब वो कुछ काम का नहीं था, तो उसने सबसे बड़ा काम किया, ममासो शरणम गतः, वो भगवान कृष्ण की शरण में गया। जब ये अधिक मास चल रहा है तो इस अधिक मास में सबसे उत्तम करने लायक कार्य है भगवान की शरण ग्रहण करना, जैसे तैसे भी विधि विधान या गुरु के सानिध्य में रहकर ईश्वर की शरण ग्रहण करना, ये अधिक मास ने कार्य किया। बस इतना यदि कोई कर लेता ना तो जीवन में क्रांति हो जाती है, जीवन बिल्कुल यूटर्न हो जाता है भगवान की शरण ग्रहण करने से। सो अधिक मास भगवान की शरण में आए, कैसे शरण में आए, तो बृहद नारदीय में ये कथा भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं, और वही कथा बद्रीनाथ धाम में भगवान नारायण नारद मुनि को सुना रहे हैं, और वही कथा नैमिषारण्य में गोमती के तट पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि मुनि को सुना रहे हैं, वही कथा वेदव्यास मुनि ने बृहद नारदीय पुराण में लिखी है, और वही कथा लाल गोविंद दास
आप सबको, ये सुंदर सुंदर श्रोताओं को अभी आप सबको सुना रहा है। मारे आ बधुं केवू जोईए ने, नहीं तो तमने बधाने खबर न पड़े। तो इस प्रकार से ये कथा चार चार पांच पांच जगह पर चल रही है। आइए, तो शरण कैसे ग्रहण की, किस प्रकार से शरण ग्रहण हुई, तो कहते हैं प्राप्तो वैकुंठ भवनम यत्राहम वसम नर अंतर्गृहम समागत्य ममासो दृष्टवान परम ममासो दृष्टवान परम। सो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, वो अधिक मास ममासो शरणम ग्रत, किस प्रकार से मेरी शरण में आया, तो प्राप्तो वैकुंठ भवनम, जब लोगों के द्वारा उलाहना हुई, बहुत परेशान किया गया और डिक्लेयर कर दिया कि ये मल मास है, ये मल के समान है, जब इस प्रकार से डिक्लेयर किया गया तो ये और किसी की शरण में न, मारी तुम्हारी जेवा पहनवा है वो अधिक मास, आपकी पास आए वो तो ये रोवे ना आपड़े रोइए कि मुझे भी दुख है, मुझे भी परेशानी, तुझे भी परेशानी, आपको कहीं ओसू रोवानू है। वो दिल्ली के दरबार में जानते ना, दिल्ली के दरबार में एक भिक्षुक एक भिखारी पहुंचा, सोचा कि कहीं बहुत बड़ी भिक्षा मिल जाएगी, कुछ दान दक्षिणा हो जाएगी, तो सीधे राजा के कमरे में गया। और उस समय वह यवन राजा नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह की बंदगी कर रहे थे, और भिक्षु जब उस कमरे में आया और राजा को देखा, तुरंत भिक्षुक वहां से वापस लौट गया। राजा ने जल्दी जल्दी नमाज समाप्त की और दौड़कर भिक्षुक के पास गए और राजा ने कहा, भिक्षुक मेरे दरबार में आकर तुम खाली हाथ जा रहे हो, आज तक मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब उस भिक्षुक ने इतना ही कहा कि राजन, बहुत बड़ी आशा लेकर आया था मैं, आया था तो बहुत बड़ी आशा लेकर, लेकिन जब आपके कमरे में पहुंचा, आपको देखा, तब मुझे पता चला कि मैं तो भिखारी हूं, आप भी भिखारी हो। तमारा मां लेवानू शू है, गुजराती में बोलो, तमारा मां लेवानू शू है, अमे भिखारी तमे भिखारी। राजा तो कान की बूटी लाल हो गई, मुझे भिखारी कहता है, मैं कैसे भिखारी हुआ, मैं राजा हूं, राजा धीराज हूं मैं। भिखारी ने कहा कि हल्ला मत करो, मैं भी भिखारी आप भी भिखारी, और सच बताऊं हम तो छोटे मोटे भिखारी हैं, आप तो बहुत बड़े भिखारी हो। क्यों? बोले हम तो एक हाथों से मांगते, अल्लाह के नाम से दे दे बाबा, अल्लाह के नाम से दे दे, हम लोग एक हाथ से मांगते हैं, लेकिन मैंने मेरी आंखों से देखा आप दो दो हाथ से मांग रहे थे, तो हमसे बड़े भिखारी तो आप हो, चाहे राजा हो या रंग, इस दुनिया में सब लोग भिखारी हैं, सब लोग रो रहे हैं, सब लोग अपने अपने स्टैंडर्ड से, छोटा आदमी सोचता है कि यार साइकिल मिल जाए तो अच्छा है, उससे बड़ा आदमी सोचता है मोटरसाइकिल मिल जाए तो अच्छा है, उससे बड़ा मोटरसाइकिल वाले सोचते हैं कि चार व्हील की मारुति कार मिल जाए तो अच्छा है, मारुति वाले ने हक नहीं, वो सोचते हैं कि ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज मिल जाए तो अच्छा है, ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वाले सोचते हैं कि भाई ये गाड़ी में ट्रैफिक बहुत होता है, अपना एक हेलीकॉप्टर हो जाए तो अच्छा है, हेलीकॉप्टर वाले के अंदर भी भड़का होता है कि भाई हेलीकॉप्टर ठीक नहीं, एक अपना चार्टर्ड प्लेन हो जाए तो अच्छा है, चार्टर्ड वाले भी सोचते हैं कि ये चार्टर्ड भी ठीक है, लेकिन अपना एक घर का रॉकेट हो जाए तो जब चाहे तब मंगल ग्रह में जाए, जब चाहे तक वापस आए, शांति किसी को नहीं है, सब लोग रो रहे हैं, इस दुनिया में सब लोग रो रहे हैं, और इसलिए सूफियों की कुछ कुछ बातें भी दिल को टच कर जाती हैं, सूफियों की एक बात दास के हृदय में बड़ी स्पर्श करती है, उन्होंने बहुत सुंदर एक पद लिखा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा, जहां देखो उनका दामन भीगा लगता है, जहां देखो उनका दामन भीगा लगता, यहां किसको पत्थर मारे के कौन पराया है, मैं किसको पत्थर मारूं, मैं किसकी निंदा करूं, मैं किसका दोष दिखाऊं। सूफियों ने कहा
यहाँ किसको पत्थर मारे के कौन पराया है। क्योंकि शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता। मैं किसको डांटूं, मैं किसका दोष दिखाऊं, क्योंकि जिसको देखता हूं ना सबको अपने जैसा ही पाता हूं। सबके अंदर मैं मेरा परमात्मा, मैं मेरे ईश्वर को देखता हूं। इसलिए अब तो एक ही बात बची है और वो क्या है, दीवारों से लिपट कर अब रोना अच्छा लगता है। दीवारों से लिपट कर अब रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे भगवन ऐसा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे भगवन ऐसा लगता है। हे प्रभु, अब तो दीवारों से लिपटकर रोना अच्छा लगता है, अब तो बस आपके विरह में आपकी यादों में दीवारों से लिपटकर रोना अच्छा लगता है, और रोते रोते हम भी पागल हो जाएंगे भगवंत, अब तो ऐसा लगने लगा है कि हम भी पागल हो जाएंगे। और इस कविता में, इस भजन में एक बहुत सुंदर बात कही कि इस दुनिया में किसके पास जाएंगे, दिल में दुख है, आंखों में आंसू है, और उस आंसू को लेकर दुनिया में किसके पास जाओगे। क्योंकि जिस जिसके पास जाओगे सबके दामन भीगे हुए हैं, दुनिया में छोटे बड़े सब रो रहे हैं, किसके पास जाओगे। जाने लायक ठिकाने केवल दो हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुमार सेवक असुरारी। हे खगो के राजा गरुड़, काकभूषणी जी ने कहा था कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। केवल दो लोग, एक तो ऐसे संत, ऐसे साधु, ऐसे गुरु जिनको अपने जीवन में कोई स्वार्थ नहीं है। किसी भी प्रकार का स्वार्थ यदि रह गया किसी गुरु को या साधु को, तो वो हमारा पूरा पूरा कल्याण नहीं कर सकते। ये बात नोट कर लीजिएगा, ये कभी कभी निकलती है, ये गुह्य ज्ञान बहुत कम कम निकलता है। किसी भी गुरु साधु के पास उसे किसी भी प्रकार का स्वार्थ, स्वार्थ समझ रहे ना, आ बधुआ फोलनो पड़ा है आ बधी वस्तुनो, ये तुम्हारे समझी लेवानो, किसी भी प्रकार का स्वार्थ, किसी भी प्रकार का इसमें आप समझ जाइएगा, यदि किसी भी प्रकार का स्वार्थ यदि किसी गुरु साधु में है, उसकी शरण ग्रहण करने से पूरा पूरा लाभ नहीं होगा। जिसको कोई स्वार्थ न हो ऐसे गुरु साधु, और दूसरे हैं भगवान, ऐसे की शरण में जाएंगे तब जाकर हम हमारे दुखों से मुक्त हो पाएंगे। आज संसार की उलाहना से, निंदा से परेशान होकर अधिक मास, जिसको मल मास कह रहे थे लोग, ऐसे अधिक मास प्राप्तो वैकुंठ भवनम। प्राप्त मने पहुंचा, कहां पहुंचा, अधिक मास पोग्यो, प्राप्त ले पहुंचो, पोग्यो क्या, वैकुंठ भवनम, वैकुंठ भवन में पहुंचा। हमारा बिल्कुल उल्टा है, ये अधिक मास को जब परेशानी हुई तो वैकुंठ पहुंचा, और हमारे जीवन में जब परेशानी होती है तो दारू के अड्डे पर पहुंचते हैं, दो तीन बोतल पी लेते हैं सब, हरे कृष्ण हरे राम हो जाता है। लेकिन जब जीवन में परेशानी होती है, चिंता होती है, तो वैकुंठ भवनम, भगवान के मंदिर की राह पकड़ लेनी चाहिए, हैं? भगवान का मार्ग पकड़ लेना चाहिए। किसी वैकुंठ, वृंदावन, गोकुल, मथुरा या किसी मंदिर, रामकृष्ण का मार्ग पकड़ लिए तो हमारा निदान हो सकता है। और यहाँ पर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन प्राप्तो वैकुंठ, वैकुंठ पहुंचा, ये अधिक मास प्राप्तो वैकुंठ भवनम, वैकुंठ के भवन में पहुंचा, और वैकुंठ के भवन में भी कहां, यत्र अहम वसम नरह। नर ये संबोधन है, अर्जुन को संबोधन देते हुए कहते हे नर, मतलब ये अर्जुन पूर्व जन्म में नर था ना, नर नारायण, पूर्व जन्म के नर नारायण, सतयुग के नर नारायण ही
द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए, कर्ण का प्रसंग, सहस्त्र कवच असुर जो कर्ण बनाता, ये सारी कथा है, आप सब जानते हैं, तमे तो बधुज जानो छो, मने खबर छे। तो नर जो अर्जुन है, पूर्व जन्म के नर नारायण के जो नर है, वही सतयुग के बाद द्वापर में अर्जुन हुए। तो हे नर, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे नर, हे अर्जुन, यत्र अहम वसम, मैं वैकुंठ में जिस कमरे में रहता हूं ना, जिस भवन में, उस कमरे में सीधा ये अधिक मास पहुंच गया। और अंतर गृहम समागत्य, वो अंतः गृह में, अंतःपुर में सीधे मेरे सामने समागत्य आया, और ममासो दृष्टवान परम, और वह मुझे देखने लगा। उसने ममासो दृष्टवान, उसने मेरा दर्शन किया। अर्जुन ने कहा, आपका दर्शन किया? बोले हाँ। बोले, आप कैसे हो? तब कृष्ण ने कहा, परम, मैं कैसा हूँ? आओ, भगवान ने केवन केवानी इच्छा न थे, पर हमें कोई हमजे ने तो केवू पड़े ना। क्या भगवान को ऐसी इच्छा होती होगी कि अर्जुन, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही भगवान, मैं ही ईश्वर, मुझे हृदय में मेरी कंप कपी हो जाती है कि मेरे कृष्ण को ये सब शब्द बोलने में कितना भारीपन एहसास हुआ होगा, उनको कितनी कठिनाई हुई होगी, क्योंकि आज हमें हमारी थोड़ी भी प्रशंसा करनी होती है तो बहुत कष्ट होता है। लेकिन कृष्ण क्या करे बेचारे, दुनिया के लोग समझ नहीं पाते। तब कृष्ण को डायरेक्ट ही कहना पड़ा। यहां पर भी कह रहे, अर्जुन, ममासो दृष्टवान परम, मुझ परम की शरण में। परम माने परम पुरुषोत्तम, हैं, दृष्टवान परम, मुझ परम पुरुषोत्तम को देखा। और फिर मुझे देखकर क्या किया, हम जाड़ ने जेम उभो नो था, हम पेड़ की तरह ऐसे खड़ा नहीं था, मुझे देखकर क्या किया, देखो ये सब सीखना चाहिए। अधिक मास ने जब भगवान को देखा तो देखकर प्रांजलि, प्रकृष्ट रूपेण अंजलि, मतलब कंप्लीटली अपने हाथों को ऐसे जोड़ा। तो प्रांजलि प्रयुतो भूतवा, मुझे देखकर दोनों हाथ जोड़कर, मुंचन श्रुणी नेत्रतः, मुझे दोनों, मेरे सामने दोनों हाथ जोड़कर सबसे पहले तो वो दंडवत प्रणाम किया। ईश्वर के पास जब जाते हैं तो उनको प्रणाम करने की बड़ी विधि है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, नाम संकीर्तनम और प्रणामो दुख शमनम। कलयुग में दो ही चीज कर सकते हैं, हरि नाम और हरि को प्रणाम। प्रणाम में बड़ी ताकत है भक्तों, प्रणाम करने से सारे कष्ट, सारे दुख, सारी चिंता दूर हो जाती हैं। हमें बार बार ठाकुर जी के चरणों में भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जो पुरुष है उसे अष्टांग प्रणाम करने की विधि है, और जो माता है उसे पांचांग प्रणाम करना चाहिए। पुरुष के लिए अष्टांग प्रणाम माने अपने आठ अंग धरती को स्पर्श हो, और माता को पांचांग माने पांच अंग धरती को स्पर्श हो। और जब हम भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि भगवान के सामने सदैव देवी देवता, जैसे शिव जी के सामने नंदी खड़े होते हैं, वैसे भगवान जगन्नाथ विष्णु के सामने गरुड़ जी खड़े होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण राम के मंदिर में सारे देवी देवता खड़े होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम यदि सिर से ऐसे सीधा प्रणाम करेंगे तो सिर तो भगवान के सामने गया, लेकिन हमारा जो पांव है वो देवी देवताओं के सामने जाएगा। इसलिए शास्त्रों में विधि है कि दोनों हाथ जोड़कर जब भगवान को प्रणाम करें तो हम सीधू लांबू नहीं थे जवानों, हम सीधे सीधा डंडे की तरह हम सीधा लांबा हो गए तो माथा तो भगवान की ओर रहेगा लेकिन हमारे पांव देवी देवता की ओर। एक ओर भगवान को प्रणाम, दूसरी ओर अपराध, इसीलिए प्रोग्रेस नहीं होता है जीवन में। तो विधि वेदों में क्या बताई गई है, ये जो हमारा हार्ट है लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो हम जब ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं तो हमारा हार्ट भगवान की ओर रखकर हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में महत्वपूर्ण अंग हमारा हार्ट है, और ये हार्ट हमें भगवान के चरणों में रखना है। इसलिए सीधा नहीं, तिरछा प्रणाम, और उसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भगवान की बाजू रहे, वैसे पांचांग और अष्टांग प्रणाम करें। सो कुल मिलाकर अधिक मास ने प्रांजलि पुयतो भूतवा, दोनों हाथ जोड़कर, और कैसे प्रणाम किया,
मुंचन श्रुणी नेत्रत, अपने नेत्रों से निरंतर अश्रु की धारा बह रही है। रोने का ठिकाना ये है भक्तों, दुनिया में किसी के सामने मत रोइएगा। रोगे तो आपके पीछे वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, 10 लोगों को बात करेंगे, वो पेपर न्यूज़पेपर में देंगे अलग, और आपका दुख तो कोई दूर कर ही नहीं पाएगा। रोने का वास्तविक ठिकाना ईश्वर का दरबार है, ईश्वर का दरबार है, वहां रोने से प्रेम बढ़ेगा। इच्छा पूरी हो न हो ये कौन चाहता है, लेकिन कृष्ण के पास रोने से प्रेम बढ़ेगा। तो अधिक मास मुंचन श्रुणी नेत्रतः, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आंखों से अश्रु धारा बह रही है। और तीसरी लाइन में वाचा गदगदया, और वाणी गदगद हो रही है, मतलब कांपती हुई वाणी से अधिक मास बोल रहे हैं। देखिए कथा जो ना इस प्रकार से सुनेंगे तो रस बढ़ता है कि प्रांजलि प्रियतो भूतवा मुंचन श्रुणी नेत्रत आंखों से अश्रु और वाचा गदगदया, और गदगद वाणी से, अधिक मास गदगद वाणी से भगवान के सामने जब हम प्रार्थना करें, स्तुति करें, तो गदगद वाणी से होनी चाहिए। और यदि वाणी गदगद न हो तो अपने आप को कोसो कि मेरे जीवन में अनेकों पाप हैं और उस पाप के कारण ही मेरा हृदय पत्थर के समान कठोर है। क्योंकि रूप गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण इति द्वय, ये जो शब्द है, कृष्ण का नाम जो है, एक बार भी जीवा पर आए तो आंखों में आंसू आए बिना रह नहीं सकता, वाणी गदगद हुए बिना रह नहीं सकती, और फिर भी ये नहीं हो रहा है तो बहुत पाप अभी भी बैलेंस में पड़े हैं हमारे हृदय में, उस पापों को क्लियर करो। वाचा गदगदया स्वामी, मुझे मेरे प्रभुपाद याद आ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद हमें सिखाते हैं कि कृष्ण का नाम कैसे लेना चाहिए, कृष्ण को कैसे पुकारना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है ना, बच्चा अपनी माँ को पुकारे, माँ बिजी है अपने कामकाज में तो माँ ध्यान नहीं देती है, दूसरी बार पुकारे ध्यान नहीं दे, और बच्चा चीख मुकता है, जब जो रोता है मोटा कालजा वाला तो बहुत जोर थी रड़े, जब बच्चे चीख मारते रोते हैं तो माँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर बच्चे के पास दौड़ कर आती है। हम और आप गदगद या हैं आंखों से अश्रु, गदगद वाणी से भगवान को पुकारते हैं, भगवान सब कुछ छोड़कर दौड़कर हमारे पास आते हैं। तो वाचा गदगदया, ये अधिक मास गदगद वाणी से, और सौम्यम बभाषे, अब ये भी थोड़ा सा सीख लीजिएगा, सौम्यम बभाषे, सौम्यम वाणी में, सौम्य माने मधुर वाणी में, मीठी वाणी में। कुछ लोग बोलते हैं या गाते हैं तो लगता है पता नहीं चलता कि ये आदमी है कि कोई गधा है, ये तो फिर उसके बाजू में जाते हैं तब पता चलता है। प्रयास करना चाहिए सौम्य सॉफ्ट वाणी हो, किसी की बोली बंदूक की गोली की तरह दादा 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 सबको मार देती है, बोली जो है सौम्य। कितनी सुंदर बात, बभाषे अधिक मास बोले लेकिन कैसे सौम्यम, सौम्य वाणी से, गदगद वाणी से, सौम्य वाणी से अधिक मास बोलने लगे। कैसे, धैर्यम मुद वहन, मानो अर्जुन ने कहा कि वो तो रो रहा था आंखों में आंसू, वाणी गदगद, तो फिर वो कैसे बोल पाए, तब कृष्ण कहते हैं अर्जुन धैर्यम उद्वहन, उसने धैर्य धारण किया, थोड़ी सी धीरता, और एक गिलास पानी पिया, थोड़ा सा शांति मतलब ठंडा हुआ, तब जाकर अब भगवान से बोलने लगे। अधिक मास क्या बोले, तो अधिक मास उवाच, मैंने तो ये ना दिखाई पड़ती कि आप महीनों बोलो, ये जिस जो महीना चल रहा है ना, आप महीनों बोलो, आपकी साथ तो आपका पड़ोसी नहीं बोलता, अमेरिका कनाडा में तो बोले नहीं तो ये आपने क्यों विश्वास था कि आ महीना ही बोलता हे। घनी बार आप आवे ना कि मूर्ति बोल पड़ी है, देवी सीता गिरिजा जी की पूजा जब कर रही थी, मुनि जाही राचे हूँ मिली ही सो बरु सहज सुंदर सा वरो करुणा निदान। जब देवी सीता ने गिरिजा को प्रार्थना की तो वो मूर्ति बोल पड़ी, तब लोग प्रश्न करते हैं कि मूर्ति बोलती है,
अब दुनिया के लोगों का तो ये विषय ही नहीं है ना, हमारे साथ हमारे पड़ोसी नहीं बोलते तो हम क्या इमेजिन कल्पना कर सकते हैं कि मूर्ति भी बोलती होगी। लेकिन बोलती है मूर्ति, अधिक मास महीना भी बोलता है। यदि हृदय में भाव और श्रद्धा हो तो पत्थर में भी वाचा प्रकट हो जाती है। ये तो साक्षात अधिक मास है, सो अधिक मास बोला। अधिक मास क्या बोले? अधिक मास उवाच अई नाथ कृपा निद हरेन कथम रक्षसी मामिहागतम कृपणम प्रबले निराकृतम मलमासे त्याभिधाम विदाय मे त्यभिधाम विदाय मे। मैं तीन दिन से सोच रहा हूं कि ये छंद कौन सा है। वैसे भागवत के सारे छंद थोड़ा सा अभ्यास है, इसलिए पता है कि भाई शार्दुल विकृत छंद, दीर्घ छंद, लघु छंद, लेकिन ये कौन सा छंद समझ में नहीं आया। तो जिस छंद में ये श्लोक है, ये ट्यून में ये छंद ठीक नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास मेळवी। आपने हम तो गुजराती कोटा उजवाड़ा होए ने, એટલે આપણે તો પ્રયાસ મેળવી દઈએ, સમજે? તો એ હો ગયા, લેકિન એ છંદ બદલ ગયા। અબ મુજે નહીં પતા એ કોણ સા છંદ હૈ, એ છંદ અધિક માસ કો હી પતા હોગા એ કોણ સા છંદ। દાસ કો એસા લગતા હૈ કે છંદ કા કોઈ ઠિકાના નહીં રહા, ક્યું? ક્યુંકી બિચારા રો રહા થા, ઓર રોતે રોતે જબ આદમી બોલતા હૈ તો થોડી ના કોઈ છંદ, વ્યાકરણ, વર્બ, નાઉન, એ સબ થોડી ના કોઈ ફિટ કરતા હૈ। વો જો આયા વો બોલને લગા, ઇસલિયે શ્લોક ભી થોડા સા ઉલટા ફૂટલા, આડા ટેડા, कोई ठीक से वो बैठा नहीं है। तो जो भी है, हमारे पास श्लोक है और अधिक मास उवाच, अधिक मास बोलने लगे। क्या बोले? अई नाथ कृपा निध हरे, हे नाथ। देखो तीन तीन संबोधन, प्रथम लाइन में अधिक मास ने तीन संबोधन दिए। किसको? भगवान कृष्ण को। अर्जुन कृष्ण कैसे कहते हैं ना, तो भगवान कृष्ण को तीन संबोधन दिए। संबोधन देते हुए कहते हैं नाथ, हे नाथ। अब संबोधन को भी समझिए, नाथ, ये नाथ शब्द कैसे बना जानते हैं? माताएं अपने नाक में जो पहनती है ना, आपने इन्हें नथ कहिए, नथ। हिंदी में कहते हैं नथनी, इंग्लिश में पता नहीं क्या, इंग्लिश वाले पहनते ही नहीं है तो थोड़ी कुछ बोलेंगे। तो हिंदी गुजराती में ऐसे नथ कहते हैं या नथनी कहते हैं। तो पशुओं के भी नाक में नथ डाली जाती है। क्यों? क्योंकि पशु थोड़े से अकड़ू होते हैं, कंट्रोल में नहीं रहते हैं, इसलिए गाय बैल के नाक में जो है ना नथ डालते हैं, मतलब रस्सी डालते हैं, और फिर उसको जो कंट्रोल करता है स्वामी, वो रस्सी वो अपने हाथ में पकड़ता है और उसको राइट में ले जाने तो राइट में खींचता है, लेफ्ट में ले जाने लेफ्ट में, और उस समय उसके नाक में कष्ट होता है, दर्द होता है, इशारा समझ जाता है और राइट लेफ्ट जाता है, और जोर से खींचते तो स्टॉप हो जाता है। सो पशुओं के नाक में नथ डाली जाती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने, भगवान ने इस दुनिया में पशु पक्षी ही नहीं, समस्त जीव मनुष्यों के भी नाकों में रस्सी डाल रखी है। वो स्थूल रस्सी तो दिखाई देती है, लेकिन ईश्वर ने माया रूपी रस्सी हम सब के नाक में डाल कर रखी है, और भगवान माया रूपी रस्सी से दुनिया के सभी जीव को कंट्रोल कर रहे हैं। ये भागवत के छठे स्कंद में स्वयं यमराज जी कहते हैं कि ओतम प्रोतम पट वधत्र विश्वम, ईश्वर ने इस विश्व को ऐसा बांध कर रखा है कोई छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं सकता। और किस 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 ग्लू से, किस गम से, किस फेविकोल से बांधा है? बोले माया रूपी ग्लू से बांध कर रखा है। ऐसी मोह माया ममता बच्चों में होती है, पत्नी में होती है, घर में होती है, पैसों में, ऐसी माया लगती है कि छोड़ चाह कर भी उसे छोड़ नहीं सकते। तो भगवान माया रूपी रस्सी से पूरे संसार को कंट्रोल करते हैं, इसलिए कहते हैं एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जाहे दे के नाचाए ते तेछे करे नृत्य। वो जैसे नचाना चाहे दुनिया का जीव वैसे, जैसे वो कठपुतली का खेल जानते ना, हाथों में रस्सी होती है और वो कठपुतली ऐसे ऐसे खिलाते हैं, उसको खिलाते हैं, वैसे भगवान संसार के सभी जीव को माया रूपी रस्सी से ऐसे खिलाते हैं। और इसीलिए भगवान को नाथ कहते हैं, क्योंकि ये वो नाथ हैं जिसने हम सब की अंदर रस्सी डाल के कंट्रोल उनके हाथ में। तो ये है नाथ है।
और ये संबोधन अधिक मास कृष्ण को दे रहे हैं। इसका अर्थ है पूरी दुनिया के नाथ कौन है? एकमात्र कृष्ण है, कंट्रोलर, पूरी दुनिया को चलाने वाले। तो ऐ आपने गुजराती में कहने ऐ, तो ये अधिक मास भी बोल रहा है ऐ, मतलब भगवान कुछ काम में बिजी होंगे, कुछ कर रहे होंगे, तो कहते ऐ नाथ, ऐ नाथ, मतलब हे नाथ, हे नाथ संबोधन। फिर दूसरा अधिक मास संबोधन देते हैं कृपा निधे, हे कृपा निधे, हे कृपा निधान, हे कृपा निधे, हे निधि माने समुद्र, हे कृपा के सागर, हे कृपा के समुद्र। और तीसरा संबोधन हरे, हरे, हे हरे, हे हरि, हे अपने भक्तों का दुख हरने वाले, कष्ट हरने वाले हरि। तो ये संबोधन देते हैं हे नाथ, हे कृपा निधे, हे हरि, न कथम रक्षसी मामी माम इहागतम, मैं आपके शरणों में यहाँ पर पहुंचा हूँ, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? पर भगवान के थ्यू शू पेला ही तो के क्या हुआ क्या है तो के न कथम रक्षसी माम इहा आगतम, मैं यहाँ तक आ गया, मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ, क्या आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? कृपणम प्रबले निराकृतम मल मासे इति अभिद्या विधाय मैं, भगवान ने कहा क्या हुआ ये तो कहो। तो तीसरी चौथी लाइन में कहते हैं कि मेरे बलवानों ने, अन्य जो महीने हैं, अन्य जो लोग हैं, मुझे अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। कृपणम प्रबले निराकृतम, मेरा निरादर किया है, मेरा निराकृत, तिरस्कृत किया है मुझे। तो अन्य महीनों ने, कार्तिक, माघशीर्ष, पोष, महाफाल्गुन, चैत्र, वैशाखी, इन सब ने मेरा तिरस्कार किया है। और तिरस्कार करते हुए मल मासे इति अभिधाम, मुझे मल मास कह दिया है। कोई सारू लागे पोता ने, कोई मल मास कोई कह दे तो मुझे बड़ा कष्ट है प्रभु। तो विधाय में, मेरा कुछ विधान करो, मेरा कुछ मुझ पर कुछ कृपा करो। तो इस प्रकार से अधिक मास भगवान से प्रार्थना कर रहा है, करने देते हैं। और हम हमारे अधिक मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान की कथा जो भागवत के दशम स्कंद से सुन रहे हैं, उस कथा के प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दो सत्र में कथा चलेगी, आप समझ ही चुके हैं। प्रथम सत्र में अधिक मास की महिमा, इसी प्रकार के श्लोकों का आस्वादन करेंगे, और पुरुषोत्तम मास की कथा। अब हम भगवान पुरुषोत्तम, कल सुना था ना, भगवान पुरुषोत्तम के गुण और स्वभाव क्या है? तो भगवान पुरुषोत्तम के गुण और स्वभाव तीन है। एक तो भगवान पुरुषोत्तम किसी के भी दोष को, बहुत बड़े अपराधी भी क्यों ना हो, वो अपराध को देखते तक नहीं, और देख लिया तो इसे मुंह फिरा देते हैं। और दूसरा, कोई छोटी भी सेवा करे तो भी उनको बड़ी सेवा समझकर स्वीकार कर लेते हैं। और तीसरा, कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो उसे द्वेष नहीं करते। ऐसे भगवान पुरुषोत्तम हमारे कृष्ण हैं। और उस कृष्ण में जब 6 दिन के थे तब से ही ये गुण डेवलप हो चुके हैं, और उन्होंने ये सारे गुण पुतना के समक्ष प्रस्तुत किए। यद्यपि कृष्ण 6 दिन के थे, लेकिन अपनी प्रथम लीला में, उस 6 दिन की उम्र में ही कृष्ण ने अपने कृपा की, दया की सीमा रेखा को लांघ गए। अने हूँ तमने कहूँ, नाना बाळको होय ने ईज कृपा करे, मोटा थाय पछी तो एमां बहु बधी बुद्धि चलावा मांडे। तो कृष्ण छोटे ने इसलिए बहुत बड़ी कृपा कर दी, बड़े होने के बाद तो फिर सोचते हैं कि भाई ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम, ये सारी बातें लग जाती हैं। लेकिन अभी हमारे कन्हैया श्याम सुंदर छोटे हैं, तो उनकी बड़ी रसमय कृपामय कथा पुतना मोक्ष, आइए हम सुनते हैं। श्री शुक उवाच नन्दः पथि वच शोरेर नमृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम्, हरिं जगाम शरणम्, उत्पातागम शंकित, उत्पातागम शंकित। गत सत्र में हम सब ने
श्रवण किया, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तत आरभ्य नंदस्य ब्रजह सर्व समृद्धिमान, पूरा व्रज कृष्ण के जन्म से समृद्धिवान हो गया। कंस के अनुचर असुर ब्रज में न आए, इसके लिए स्वयं नंद बाबा ही वार्षिक कर टैक्स प्रदान करने के लिए अपने गोप सखाओं के साथ मथुरा चले गए। कंस को टैक्स प्रदान करके नंद बाबा और वसुदेव जी का सुंदर मिलन हुआ। कल बड़े संक्षिप्त में हमने नंद और वसुदेव का मिलन किस प्रकार से हुआ सुना। जब नंद जी ने कहा कि बस आज इस रात में यहीं पर रुकने वाला हूँ, तब तुरंत वसुदेव जी ने कहा कि नहीं बाबा, नंद बाबा आप यहाँ मत रुकिए, ये स्थान रहने जैसा नहीं है। और मुझे कप कपी हो रही है, मुझे न जाने मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि वहाँ गोकुल में कुछ उत्पात हो रहे हैं। नंद बाबा मुझे गोकुल में उत्पात होने की आशंका हो रही है। इतना सुनते ही अब नंद जी को कहने की आवश्यकता थोड़ी थी, अपने लाला के लिए, अपने कन्हैया के लिए नंद बाबा तुरंत खड़े हुए, सभी अपने गोपों को जगाए और कहे कि सब लोग बैलगाड़ी बैल जोतो और हम सब अभी इसी रात को गोकुल वापस लौटेंगे। अब हमारे जैसे लोग नहीं थे बे, तारा छोकरा नु जे था वो इतने थे, हमने हूँ हमने सुवा दो ने यार गुजराती वो तो आम ज कहो कि हमने हुआ देने भाई, तारे जो हुए तो जा, तने इतनी बड़ी चिंता हो ने इतनी बड़ी पड़ी हो तो। लेकिन नहीं, पूरा ब्रज जो है ना कृष्ण को चाहता था। सारे गोप जब ये सुने कि कृष्ण के ऊपर कोई आपत्ति आई है, सब लोग तुरंत तैयार हो गए और अपने अपने बैलों को जोत कर रात को निकल पड़े। श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के छठे अध्याय का ओपनिंग प्रारंभ करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी, मुझे मैं आपको भूल जाऊंगा अभी बता देता हूँ, ये जो तत्कालीन बात आते हैं ना मैं तत्कालीन बोल देता हूँ, पहले से कोई प्री प्लान नहीं होता है, वो आई तो आई है, फिर वो चली भी जाती है। अब ये भागवत के दसम स्कंद का छठा अध्याय है, ध्यान से सुनिएगा, दसम स्कंद का छठा अध्याय है और ये जो लीला हो रही है ना, ये भी कृष्ण के छठे दिन की लीला है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, छठा दिन चल रहा है और ये जो कथा है श्रीमद् भागवत में छठे अध्याय में है। मतलब कितना, मतलब ये सटीक जा रहा है, कितना मतलब योग बन रहा है कि कृष्ण के छठे दिन की लीला और भागवत के दसम स्कंद का छठा अध्याय। तो इस छठे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, क्या बोले, बोले नंद पथि वच शोरे, बोले नंद पथि, नंद महाराज जो है वो पथि, पथि माने पथ में है, मार्ग में है। थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए, आप डूबिए, मैं आपको डुबा रहा हूं, आप इमेजिन कीजिए कि वो रात का समय है, अंधेरी रात है, आकाश में चंद्रमा उगा हुआ है और उस अंधेरी रात में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई ट्यूबलाइट नहीं है, कुछ नहीं है, अंधेरा मार्ग है और उस अंधेरे मार्ग में चंद्रमा के प्रकाश में वो सारी बैलगाड़ी चल रही है। नंद बाबा का जो बैलगाड़ी चलाने वाला चला रहा है और नंद बाबा बैलगाड़ी के पीछे बैठे हैं और पीछे बैठकर नंद बाबा एक गुजराती में एक भजन गायु, तमें कहता हो तो हूँ थोड़ू गाओ है दयाल भाई, गाओ नंद बाबा एक भजन गायु। हरी तू गाडू मारू क्या ले जाए, काई न जानो काई न जानो रे, काई न जानो रे, काई न जानो। हरी तू गाडू मारू क्या ले जाए, काई नहीं जानो। हरी तू ए गाडू मारू क्या ले जाए, काई नव जानो। बलदेव बापा आ काल हमड़ाव जो भाई, मने तो आखू याद न होय पण आ तमे आना कारीगर छो एटले आवू बधु तमे संभळावता रहेजो कि हे हरी
अमारू जीवन रूपी गाड़ू तू क्या ले जाए, हूँ तो कहीं नहीं जानतो। तो आओ कैंक नंद बाबा ये गायो से। लेकिन यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नंद पथी, नंद बाबा उस बैलगाड़ी पर बैठे हैं, बहुत सारी बैलगाड़ी हैं, अंधेरी रात है, नंद बाबा बैलगाड़ी में बैठे हैं। और बैलगाड़ी में बैठे बैठे आप कहोगे ये मुझे कैसे, ये मेरे थर्ड क्लास मन की कोई रचना नहीं है, ये सब आचार्यों ने अपनी टीकाओं में लिखा है। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी में लिखा है, ये सारी बात है, बहुत कुछ लिखा है। सुखदेव ने तो सार दिया, इसको रसों से भरा। हमारे श्रीपाद वल्लभाचार्य हरीशूरी जी, श्रीधर स्वामी, चक्रवर्ती पाद, रूप सनातन, बलदेव विद्याभूषण, बहुत सारे आचार्यों ने इन पर बहुत बहुत अपना डिस्क्रिप्शन दिया। अपने शुद्ध विशुद्ध मन में, अपनी बहुत ऊंची अवस्था में बैठकर इन लीलाओं का उन्होंने चिंतन किया और जो भाव बना वो भाव उन्होंने अपनी कॉमेंट्री, अपनी टीका में लिख दिया। दुख की बात केवल इतनी है कि वे सारी टीकाएँ संस्कृत में हैं और उस संस्कृत को सटीक रूप से यदि कोई समझने वाला हो, समझकर यदि हमें समझाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। सुन आचार्यों ने ये सब लिखा है कि अंधेरी रात में बैलगाड़ी चल रही और अवस्था कैसी है, नंद बाबा को नींद आ रही है। अब रात का समय, रोज की प्रैक्टिस, सोने की नींद आ रही है, लेकिन अचानक वसुदेव जी की बात को याद आ जाए तो फिर नींद उड़ जाती है कि अरे बाप रे, वसुदेव जी ने कहा था कि उत्पात हो रहे हैं, नींद आती है, नींद आती नहीं आती, आती नहीं आती। इस प्रकार से मन में अनेकों प्रकार के ख्याल आ रहे हैं और चलती बैलगाड़ी में क्या पोजीशन है ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं नंद पथी, नंद महाराज पथ में जा रहे हैं, मतलब मार्ग में जा रहे हैं। और उस मार्ग से मथुरा से गोकुल जाते हुए वचह शोरे, शोरे शौरी, शौरी माने वसुदेव, वसुदेव को शौरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वसुदेव शूरसेन के पुत्र है। तो वचह शौरे, शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के वचन को याद कर रहे हैं नंद बाबा। तो वचह शोरे, शोरे के वचन को याद करते हुए नंद बाबा क्या सोच रहे हैं कि नाम ऋषेति। नंद बाबा मन ही मन सोच रहे हैं कि बाकी कोई बोला होता तो वो गलत हो सकता था, लेकिन शौरी ने कहा, मतलब वसुदेव ने कहा है, तो वसुदेव के वचन नाम ऋषेति, उसके वचन कभी मिथ्या हो ही नहीं सकते। वसुदेव ने कहा है कि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं तो निश्चित कोई उत्पात हो रहा होगा, और मेरे कन्हैया का क्या हो रहा होगा, मेरे कृष्ण का, मेरे लाला का क्या हो रहा होगा। इस प्रकार की विचिंतयन है। कितना सुंदर, नंदपति वचशोरे नम ऋषेति, शोरी के वचन कभी गलत नहीं हो सकते हैं, ऐसा विचिंतयन, ऐसी चिंता कर रहे हैं। चिंता ही नहीं, चिंता अलग चीज है, विचिंतयन विशेष रूप से चिंता कर रहे हैं। तो अब हम लोग कहेंगे तो हम में और नंद बाबा में फर्क क्या रहा, आ कथा श्यामट आदरी है कि यही जो चिंता करता हो आपड़े चिंता करता, चिंता करवा वाला मानसो नहीं, कथा श्यामट सांभवी जो। लेकिन यहाँ पर हमारी चिंता और नंद बाबा की चिंता में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी चिंता जो है ना, हमारी भोग वासना भौतिक वस्तु के लिए होती है, लेकिन नंद बाबा की चिंता भगवान के लिए हो रही है। भक्तों, हम भौतिक वस्तु के लिए चिंता करेंगे तो भगवान से दूर हो जाएंगे, लेकिन वही चिंता हम भगवान के लिए करेंगे, भक्ति के लिए करेंगे, तो भगवान से बहुत निकट हो जाएंगे। वैसे चिंता और चीता दोनों समान है, आपको ये सारा नॉलेज, सारा ज्ञान है कि अनुस्वार मात्र भेद, चिंता और चीता में केवल अनुस्वार का भेद है, लेकिन दोनों का काम क्या है, जलाना। चिता भी जलाती है, चिंता भी जलाती है, लेकिन आचार्यों ने कहा चिंता चिता अपि गरियसी, चिता जो है ना मरने के बाद आदमी को जलाती है, लेकिन चिंता चिंता जीते जी आदमी को रोज पल पल क्षण क्षण जलाती रहती है। कुछ लोगों के जीवन में हम देखते हैं इतनी चिंता होती है, इतना खाते हम तो देखते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी सूखे बारीक पतले दोरे जैसे, धागे जैसे होते हैं, और हम तो पानी भी पी लेते तो 500 ग्राम बढ़ जाता है, है? चिंता जो है ना खा जाती है, चिंता खत्म कर देती है, चिंता सुखा देती है आदमी को। इस कलयुग में 99% जो रोग है, मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान भागवत से पता चलता है,
कि 99% के जो रोग हैं वो चिंता से उत्पन्न होते हैं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है ना, लोगों की चिंता बढ़ रही है। हम लोग ने सुख सुविधा तो जुटा ली, हमारे जो बाप दादे, हमारे जो पूर्वज होते थे, उनके पास इतनी सुख सुविधा नहीं होती थी। बेचारे किसान होते, खेतों में काम करते, मजदूरी करते, मेहनत करते, लेकिन रात को शांति से घर पर बैठकर भोजन करके नींद अच्छी आती थी। खाटलो नाखीन सुता, आकाश में वादल देखा तो इन तारा चमकता होय, अने गोदड़ू जे आपड़ी माताए लगभग 10-12 वर्ष साड़ी पहेरी होय, ने ई साड़ीनू जे गोदड़ू बन्यू होय, अने ई मानी गोदमा जे सुवानो आनंद ई गोदड़ू ओढ़वामा होय, ई आजना आज शू कहवाय, ने आज का जो ये जो ब्लैंकेट होता है और उसमें ये सब आनंद थोड़ी ना है। गुदड़ी की भी बड़ी महिमा, हमारे गोदड़ी ऊपर एक कथा करवानी है। हाँ, याद कराओ जो मने, गोदड़ा ऊपर एक कथा करवानी, गोदड़ी की बहुत महिमा। सनातन गोस्वामी के जीवन में ये बहुत बड़ा एक प्रसंग आया गुदड़ी का। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सुख सुविधा तो बहुत कमा ली, हमारे बाप दादा आज हम जो जीवन जी रहे ना, वो कल्पना भी नहीं कर सकते। कौन 100 साल पहले कल्पना कर सकता था कि एक लीटर पानी $2 में बिकेगा? 100 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन कल्पना हो रही है और सुख सुविधा इतनी खड़ी हो गई। लेकिन सुख सुविधा तो हमने कमा ली, लेकिन चिंता बढ़ रही है, चिंता बढ़ रही है, और चिंता जो है चिता से भी अधिक गरियसी। लेकिन वह चिंता यदि हरि के लिए हो, देखिए यहां पर कितना सुंदर जा रहा है, विचिंतयन हरिम, चिंता जो है ना हरि के लिए कर रहे हैं। यदि भगवान के लिए, भक्ति के लिए चिंता करे, तब तो जीवन धन्य हो जाएगा, तब तो जीवन में तेज बढ़ जाएगा, जीवन का प्रकाश। लेकिन हमारा क्या ना, बस भौतिक वस्तुओं के लिए चिंता करते रहते हैं। खैर, नंद बाबा यहां पर चिंता कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की चिंता कर रहे हैं, यद्यपि कृष्ण को अपना बेटा मान रहे हैं। नंद बाबा के मन में तनिक भी ऐसा नहीं है कि कृष्ण कोई भगवान है, कृष्ण कोई ईश्वर है। यदि नंद बाबा के मन में ऐसा होता कृष्ण भगवान है, ईश्वर है, तो चिंता काहे की? तो मन में सोच लेते सुदर्शन चढ़ाएगा और जो भी आएगा मार देगा, क्यों चिंता करे। लेकिन नंद बाबा के मन में पूर्ण वात्सल्य छाया हुआ है, पूर्ण वात्सल्य भाव से ओत प्रोत लबालब भरे हुए हैं कि वो मेरा लाला है, और उसे लाला को कोई आपत्ति ना आ जाए, ऐसी चिंता कर रहे हैं। सो नंद पथी, नंद महाराज पथ में हैं, और वचह शोरे, शोरी के वचन, वसुदेव के वचन न मृषेती, कभी झूठ नहीं हो सकते, विचिंतयन, ऐसी चिंता कर रहे हैं। हमारे आपके जीवन में जब चिंता होती है ना, तो हम संसार के भौतिक लोगों की शरण में जाते हैं। लेकिन आज हमने पहले भी सुना अधिक मास के प्रसंग में, और यहाँ पर भी जब नंद बाबा के जीवन में चिंता हुई, तब उन्होंने क्या किया, करने लायक है। नंद बाबा ने क्या किया, विचिंतयन, जब चिंता हुई तो तुरंत कौन सा शब्द है आप देखिए, नंद बाबा को जब चिंता हुई तो क्या किया, हरिम जगाम शरणम। नंद बाबा हरिम जगाम शरणम, और किसी की शरण में नहीं गए, नंद बाबा हरि की शरण में गए। नंद बाबा हरि की शरण में गए। हमें भी नंद बाबा के जीवन से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब भी जीवन में कोई चिंता हो तो हरिम जगाम शरणम, हरि की शरण ग्रहण करें। और हरि की शरण में जाने का कारण चौथी लाइन में सुन लीजिए, कारण क्या था, उत्पात आगम शंकितः। उत्पात, मेरे गोकुल में उत्पात आगम आएंगे, ऐसी शंका थी। अब देखिए, उत्पात आगम शंकित, अब हमारे एक आचार्य सुबोधिनी में श्रीपाद वल्लभाचार्य ने बहुत सुंदर बात लिखी कि नंद बाबा को मात्र शंका थी, हा? मतलब 100% कन्फर्म नहीं था कि उत्पात हो ही गए हैं। उत्पात आगम शंकित माने मात्र शंका थी, और मात्र शंका थी इसलिए नंद बाबा जीवित थे। यदि 100% ऐसा कन्फर्म हो गया होता कि गोकुल में उत्पात हुआ ही है, तो नंद बाबा के प्राण निकल गए होते, क्योंकि नंद बाबा का प्राण उनका नहीं, उनके प्राण कृष्ण है, उनके प्राण हरि है। इसलिए वल्लभाचार्य ने, देखो ये हमको कैसे पता चलता,
ये तो आचार्य चरण ने लिखा सुबोधिनी में, तब जाकर ये रहस्य खुला कि शंका हुई केवल। समझे ना, शंका अलग वस्तु है और कन्फर्म न्यूज अलग वस्तु है। ये शंका हुई कि उत्पात शायद हो सकता है, लेकिन ऐसी शंका हुई नंद बाबा के मन में चिंता होने लगी, और उस चिंता से मुक्त होने के लिए नंद बाबा हरिम जगाम। ये तीसरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करें। आचार्यों ने बहुत सुंदर मंथन किया, सब तुम नहीं कर सकते, लेकिन जो भी देश काल पात्र के अनुसार उपयुक्त है हम प्रस्तुत करें। हरिम जगाम शरणम, नंद बाबा हरि की जगाम, जगाम माने ग्रहण किए, प्राप्त किए, चले गए, शरणम हरि की शरण में चले गए। तो सबसे पहले हरि का अर्थ श्रीपाद जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ में लिखते हैं, हरि की शरण में क्यों गए, क्योंकि हरि का एक अर्थ है हरि सर्व भय हरम। अब देखिए, अब आप लीला देखिए, शब्दों की लीला आचार्यों ने क्या रचा है। ये पूरा भागवत का ये पूरा टीका और ये सब आप केवल अंदाजा मैं आपको दूं। हरिम जगाम शरणम, इसको पकड़ के रखिएगा, ये हरि जगाम शरणम को। अब आचार्यों की लीला देखिए, हरिम जगाम शरणम, तो यहां जीव गोस्वामी ने बिल्कुल अपना मंथन करके कहा क्रम संदर्भ की टीका में कि हरिम सर्व भय हरम। हरि का अर्थ है सभी प्रकार के भय को हरने वाले। वैसे हरि शब्द अनेक अर्थ है, इसके अनेकों अर्थ है, लेकिन हरि जीव गोस्वामी कहते हैं कि सभी भय को हरने वाले। नंद बाबा ने देखा, अभी मैं भयभीत हूं, मेरे हृदय में भय है, और उस भय से मुक्त करने वाला केवल एक ही तत्व है, वह है हरि, और वह हरि ही मेरे भय को दूर कर सकते। और इसीलिए हमारे गोविंद दास जी ने कहा, भज हूं रे मना श्री नंद नंदना अभय चरणार वृंद रे। हे मन अभय प्रदान करने वाले गोविंद हरि के चरणों में लग जा, क्योंकि जीवन में अनेकों प्रकार के भय है। दुर्लभ मानव जन्म सत संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत संगे, तरहु ये भव सिंधु रे, तरहु ये भव सिंधु रे। हे मन इस भवसागर को पार करना, हालांकि ये भवसागर दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, इस संसार के अनेकों मोड़ बड़े कठिन हैं, लेकिन आसानी से पार करना चाहते हैं तो हे मन उस अभय प्रदान करने वाले हरि भगवान गोविंद के चरणों में। शीत आतप बात वरीषण इते किया चे पर तीतिरे, विफल से विनु कृपण दुरजन, विफल से विनु कृपण दुरजन, भजहुं हरि पद नीति रे। हे मन इस दुनिया में तूने कितने लोगों की सेवा की, दुनिया में कितने लोगों की शरणों में गया, ऑफिस में काम किया, यहाँ किया, वहाँ गया, किस किस की शरण में गया, लेकिन आज तक वे तुम्हें चिंता से भय से मुक्त नहीं कर पाए। इवन अपने अपने खुद के अपने लोग भी हमें भय से मुक्त नहीं कर सकते। कहते हैं ये धन यौवन पुत्र परिजन इते किया छे पर तीतिरे, ये धन यौवन पुत्र परिजन इते किया छे पर तीतिरे, कमल दल जल जीवन टल मल, कमल दल जल जीवन टल मल,
भजहूं हरि पद नीति रे। वाह, गोविंदा जी कहते हैं ये धन कब तक साथ देगा, ये पुत्र कब तक साथ देंगे, ये परिजन कब तक श्मशान तक साथ में आएंगे। दो आंसू बहाकर फिर सब लोग अपने अपने जॉब में लग जाएंगे। दुनिया में ये सब लोग हमारा साथ कब तक दे सकते हैं? हमारा वास्तविक साथ यदि कोई दे सकता है तो वो है हरि नाम, हरि का भजन। थोड़ी बहुत कथा सुनी है, हरि नाम लिया, दान पुण्य धर्म किया है तो वो हमारे साथ आएगा। बाकी ये धन पुत्र परिजन कोई हमारे साथ नहीं आएगा। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे, लाल गोविंद अभिलाष रे। तो ये हम अभिलाषा करते हैं कि जीवन में साथ आएगा तो हरि का भजन। इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन आदि से हरि का भजन कीजिए, जीवन को धन्य कीजिए। हमारे जीवन में भय से मुक्त कराने, मृत्यु जैसे भय से, ये बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्र बंधन है, मृत्यु नामक भय से भी मुक्त कराने वाला कोई है तो वह है हरि, वह है कृष्णा। और इसलिए यहाँ पर श्रीपाद जीव गोस्वामी ने कहा कि हरि की शरण में नंद बाबा क्यों गए, क्योंकि हरिम सर्व भय हरम इति हरि, सभी प्रकार के भय को हरने वाले हैं इसलिए हरि। तो ये हो गया पहला। अब और एक आचार्य कहते हैं कि हरिम जगाम शरणम, नंद बाबा अपने कन्हैया की चिंता टेंशन सता रहा था इसलिए हरि की शरण में गए। तो हरिम शरण, हरिम जगाम शरणम का एक अर्थ होता है कि अपने कुल देवता के शरण में गए, क्योंकि कुल देवी और कुल देवता हमारे समाज की रक्षा करती हैं, कुटुंब परिवार की रक्षा करती हैं। तो किसी एक आचार्य ने कहा कुल देवता, और उनके कुल देवता थे भगवान नारायण, भगवान हरि, इसलिए हरिम जगाम शरणम। एक आचार्य सत्य धर्म जी लिखते हैं कि हरि माने क्या, हरि सर्व अरिष्ट हरम इति हरि, सर्व अरिष्ट हरम इति हरि। अरिष्ट माने शत्रु, सर्व माने सभी प्रकार के, सभी प्रकार के शत्रु को हर लेते हैं, सभी प्रकार के शत्रुओं से मुक्त करा देते हैं, सभी प्रकार के शत्रुओं से हमें हमारी रक्षा करते हैं, उसे कहते हैं हरि, वो है हरि। तो इसलिए नंद बाबा के मन में हुआ कि कोई शत्रु न आ गया हो, और यदि शत्रु आ गया है तो हरि की शरण में जाऊं, वे सारे शत्रुओं को मिटा देते हैं, इसलिए वे हरि के शरण में गए। चौथा पॉइंट, चौथी बात, एक आचार्य जो मुझसे बहुत निकट पड़ते हैं, मतलब उनकी टीका बहुत सरल होती है, इजी इजी संस्कृत होता है, तो बाल प्रबोधिनी, तो उन आचार्य ने कहा हरि शरणागत दुख हारिणम इति हरि। हरि के शरण में क्यों गए, क्योंकि हरि जो है शरणागत दुख हारिणम, इस हरि की शरण ग्रहण करने से वे सारे दुखों को हर लेते हैं, इसलिए वे हरि की शरण में गए। और वे दृष्टांत देते हैं, जैसे गजेंद्र हरि की शरण में गया सारा दुख हर लिया, द्रौपदी हरि की शरण में गई सारे दुख हर लिए। तो इस प्रकार से हरि सभी दुखों के को हरने वाले। पांचवा पॉइंट, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हरिम जगाम शरणम। सनातन गोस्वामी तो कुछ नया ही लेकर आए, बोले किसी विषय की शरण में नहीं गए, हरिम जगाम शरण मतलब अपने बच्चे की शरण में गए, मतलब अपने बच्चे को ही याद कर रहे हैं, मतलब अपने बच्चों के चरण को ध्यान कर रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा। सनातन गोस्वामी बृहद वैष्णव तोषिणी में ये भाव देते हैं। और फिर बलदेव विद्याभूषण है, अब इसकी लीला अद्भुत है। बलदेव विद्याभूषण एक बहुत बड़े मध्यकालीन संत हुए, जिन्होंने इस ब्रह्म मध्य गौड़ीय धारा की धरोहर और श्रीमती राधा रानी के तत्व को प्रस्थापित किया। नहीं तो एक ऐसा युग चला जिसमें हमारे देश में बहुत बड़ा विरोध हुआ कि कृष्ण के साथ राधा होनी ही नहीं चाहिए,
मंदिरों में और कहीं भी कृष्ण के साथ रुक्मणी की पूजा होनी चाहिए, राधा नहीं। और उन दिनों हमारे गौड़ीय मध्व संप्रदाय के आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने षट संदर्भ और उन तत्वों के द्वारा विद्वानों की सभा में ये प्रस्थापित किया कि कृष्ण के साथ राधा तत्व ही होना चाहिए। ऐसे बलदेव विद्याभूषण ने गीता के ऊपर भी टीका लिखी। श्रील प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता लिखी, उन्होंने प्रारंभ में ही कहा कि इस भगवद गीता में मूल सबसे अधिक पाठ जो है बलदेव विद्याभूषण की टीका से लिया गया है। श्रील प्रभुपाद तो वे बलदेव विद्याभूषण भागवत के ऊपर टीका लिखते हैं। वे यहाँ पर इस पॉइंट पर कहते हैं कि हरिम जगाम शरणम, हरि स्वसेवाम नारायणम शरणम इति। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि नंद बाबा स्वसेवा, नंद बाबा की सेवा थी, अर्थात नंद बाबा का खुद का स्वयं का एक विग्रह था। नंद बाबा अपने घर पर ठाकुर जी की मतलब विग्रह की सेवा करते, वो नारायण का विग्रह था। तो नंद बाबा अपने घर पर प्रतिदिन जिस ठाकुर जी की नारायण की विग्रह की सेवा आदि करते थे, तो हरिम जगाम शरणम माने अपने घर के जो ठाकुर जी हैं, अपने घर के जो विग्रह हैं, नंद बाबा ने उनकी शरण ली कि हे ठाकुर जी, रोज मैं आपकी सेवा पूजा करता हूँ, मैं घर पर नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर पर मेरे लाला के ऊपर कन्हैया के ऊपर कोई विघ्न आए तो आप उनकी रक्षा कीजिएगा। इस प्रकार से उन्होंने अपने नारायण अपने अर्च विग्रह की सेवा शरण ग्रहण की। आगे सातवां पॉइंट, वंशीधर जी कहते हैं हरिम शरणम जगाम। तो वंशीधर को पूछा हरि की शरण में कैसे गए, यहां तो केवल यही लिखा ना कि हरि की शरण में गए, लेकिन स्टाइल क्या थी? तो सुनिए, नंद बाबा उस बैलगाड़ी में बैठकर क्या बोले आचार्यों ने लिखा है, हैं? तो वंशीधर जी कहते हैं हरिम जगाम शरणम, नंद बाबा क्या कहे, हे हरे। अब देखिये नंद बाबा के पर्सनल शब्द, हे हरे मम गृह क्वचित उत्पातो न भवेत। हे हरि, मेरे घर में किसी भी प्रकार का उत्पात नहीं होना चाहिए। हे हरे मम गृह क्वचित उत्पातो न भवेत, और फिर आगे कहते हैं यदि भवेत, और यदि उत्पात भवेत तरही त्वम एव अस्माकम रक्षकम इति। हे हरे, यदि मेरे घर पर उत्पात भवेत हो रहा है तो त्वम एवं अस्माकम, आप ही हम लोगों के एकमात्र रक्षक हो, तो जरा आप हमारा ध्यान रखिएगा। देखिए सीखना चाहिए इस भाव से, इन शब्दों से भगवान को प्रार्थना करें कि हे हरे मम गृहे क्वचित उत्पातो न भवेत, यदि भवेत तरही त्वम एवं अस्माकम रक्षक इति, प्रार्थनाम एव इति अर्थ। आचार्य का ये भाव है। और फिर जीव गोस्वामी ने कहा कि हरिम सर्व मनोहरम, नंद बाबा हरि की शरण में गए। ये कौन हरि हैं? जो सर्व मनोहर हमारे मन को हर लेते हैं, अपने गुण रूप लीला अपनी सुंदरता से हमें पागल बना देते हैं, ऐसे परम सुंदर मनोहर हरि की शरण में नंद बाबा गए। और शरणम शब्द से एक आचार्य ने यह भी कहा कि नंद बाबा को नींद आ नहीं रही थी तो नंद बाबा हरि के चरणों का ध्यान करने लगे, है ना? आप जानते ना भगवान हरि के दाएं चरणों पर 11 चिन्ह है और बाएं चरणों पर 8 चिन्ह है। तो नंद बाबा हरिम जगाम शरणम, हरि की शरण में गए तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि हरि के चरणों का ध्यान करने लगे। हरि के दाएं चरण में जौ चक्र छत्र ऊर्ध्व रेखा कमल ध्वज अंकुश वज्र अष्टभुजा षटकोण स्वस्तिकोण जांबू फल, ये सब जो चिन्ह है उन चिन्हों का ध्यान करने लगे। या बाएं चरणों में जो 8 चिन्ह है, शंख संक्रेंद्र वृत्त धनुष गाय के खुर कुंभ त्रिकोण अर्धचंद्र मीन, इस प्रकार से हरि के शरण में गए, हरि के शरण को याद। हरि का शरण ही क्यों? बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि भाई शरण ही क्यों, तो कहते हैं हरि के शरण की बड़ी महिमा है। हरि के शरण को टच करके माँ गंगा निकली है तो वह गंगा करोड़ों करोड़ों जीवों को पवित्र कर सकती है। हरि के चरणों में गंगा जैसे जल को इतने पवित्र करने की ताकत है कि वह त्रिभुवन को पवित्र कर सकती है, ऐसे हरि के शरण में गए। तो इस प्रकार से नंद बाबा
हरि के शरण में जा रहे हैं, वो बैलगाड़ी चल रही है। एक काम करते हैं, चलने देते हैं, लगभग 20 घंटे के बाद नंद बाबा पहुंच जाएंगे। लेकिन उस बीच में घटना घट गई भक्तों, उस बीच में ये सारी घटना घट गई, ये सारी लीला हो गई। परीक्षित महाराज ने पूछा कि हे सुखदेव जी, तो क्या वास्तव में कोई पूतना बूतना आई थी, मतलब कोई असुर कोई उत्पात हुआ था? तब सुखदेव गोस्वामी दुख के साथ कहते हैं, परीक्षित, हाँ हुआ था, हुआ था। वहाँ पर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचार निगनंती पूर ग्राम व्रजादेशो। परीक्षित, पूतना नाम की राक्षसी आई थी और खोजते हुए शिशुम चचार निगनंती, बालकों को खोजते हुए बालक मिला नहीं कि उसको खा नहीं जाती। छोटे छोटे बालक को खाने वाली घोर स्वभाव वाली पूतना ब्रज में आ चुकी थी और ब्रज में भी कृष्ण के घर पर, यशोदा के घर पर पहुंच चुकी थी और अब वो उत्पात होने वाला है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये कथा कल हम सुनाएंगे और जीवन को धन्य करेंगे। तो बड़ी प्यारी कथा है, छोटे बाल कृष्णा, फोटो भी गोविंद टीवी ने क्या चुनकर रखा है, बिल्कुल वात्सल्य भाव ही उमड़ता है। प्यारे से कृष्ण है और माँ यशोदा बिल्कुल वात्सल्य ले रही है। नंद बाबा नहीं है, क्योंकि नंद बाबा तो मथुरा में है, वो तो वहीवट करने गए हैं, घर पर केवल यशोदा और कृष्ण ही है। तो गोविंद टीवी भी समझदार है। आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकाल कर इस कथा में आए, सभी भक्तों का धन्यवाद। एवं विशेष धन्यवाद मकवाणा परिवार का, दयाल भाई, विमला बहन, इनके पिताजी बेचर भाई, पार्वती बहन, और ये दोनों राम और लक्ष्मण जैसे सुपुत्र, केयूर भाई, कोकिला बहन, अंकुर भाई, भूमि बहन, इस पूरे परिवार का आपके सहयोग से ये सुंदर कथा संभव हुई है। तो आइए जय जयकार के साथ आज के सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, पावन पुरुषोत्तम मास की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम।